केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुरुवार को दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। इस दौरान चौधरी ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश भर के किसान अब देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। मोदी सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को मंजूरी दी है। एक देश एक बाजार से अब किसान खुशहाल होगा। चौधरी ने इस पर यह भी कहा कि अब व्यापक स्तर पर कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आने वाली टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने हवाई स्प्रे करने का भी प्लानिंग किया है कि हम टिड्डी को हवाई स्प्रे के माध्यम से उनको टिड्डी को नियंत्रित कर सकें। तो इसके लिए हमने हेलीकॉप्टर से छिड़काव हो, ड्रोन से छिड़काव हो और प्लेन से भी छिड़काव करने की प्लानिंग की है। और इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो उनके भी हमने खरीदने के आदेश कर दिए हैं और जल्दी नए इक्विपमेंट भी आएंगे तो जिससे कि टीडी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। राजस्थान सरकार को भी हमने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और लगभग 800 ट्रैक्टर भी परमिशन जारी किए हैं जिनके ऊपर स्प्रे लगाकर उन टीडियों को नियंत्रित किया जा सके। तो इसकी भी हमने प्लानिंग की है। निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर टीडी को कंट्रोल करने की पूर्ण रूप से हमने रणनीति बनाई।